हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी आर्ट एंड क्राफ्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुरुद्वारा साहब के लिए रुमाला साहब पेंट करेंगे। इसी तरह आप कपड़े के ऊपर पेंट करके उस कपड़े को आप मंदिर, मस्जिद या फिर और किसी भी स्थान पे जहाँ पे आपकी श्रद्धा हो, आप चढ़ा सकते हैं। तो बिना देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने कपड़े के ऊपर डिजाइन को ट्रेस कर लिया है। कपड़े को हमने फ्रेम में लगा लिया है। ये हमने फ्लैट ब्रश लिया है। ब्रश आप किसी भी नंबर का ले सकते हैं। ये हमने डार्क और लाइट ग्रीन कलर लिए हैं। इन दोनों कलर को मिक्स करके हम यहाँ पे लीफ बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लाइट कलर भरेंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड हमने लाइट ग्रीन कलर किया है। अब नीचे से हम ऊपर को डार्क ग्रीन कलर करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक लीफ बन गया है। अब हम दूसरा लीफ बनाएंगे। दूसरे में हम नीचे से ऊपर को लाइट ग्रीन कलर करेंगे। अब ऊपर से नीचे को हम डार्क ग्रीन कलर करेंगे। इस तरह से जो हमारे दो लीफ बन गए हैं। अब हम ये वाला लीफ बनाएंगे। इसके आधे हिस्से में हम लाइट ग्रीन कलर करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम डार्क ग्रीन कलर कर देंगे। इसी तरह हम सारे लीफ बना लेंगे। इसमें हम ये सिंगल कलर ही रखेंगे। इस तरह से ये हमारे सारे लीफ बन गए हैं। ये हमने व्हाइट और मूव कलर लिया है। अब इस फ्लावर में हम ये दोनों कलर करेंगे। फ्लैट ब्रश के ऊपर पहले हमने व्हाइट कलर को लगाया है। इसको हम इस तरह से ये पत्ती में भरेंगे। पहले हम पूरे फ्लावर में व्हाइट कलर को कर लेंगे। Thank you.
अब हमने ब्रश में मूव कलर लगाया है, इसको हम व्हाइट कलर के ऊपर इस तरह से करेंगे। इस तरह से ये हमारी डबल शेड फ्लावर में आ जाएगी। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा कलर ब्रश के ऊपर लेते जाएंगे और पत्तियों में भरते जाएंगे। ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार है। अब हम ऑरेंज कलर लेंगे, इससे हम ये छोटा फ्लावर बनाएंगे। इसमें हम ये सिंगल कलर ही रखेंगे। अब राउंड ब्रश के ऊपर हम पिंक कलर लगा के ये छोटी पत्तियों में करेंगे। अब हमने व्हाइट और मस्टर्ड कलर लिया है, इसको हम इस फ्लावर में करेंगे। पहले हम यहाँ पे व्हाइट कलर करेंगे। अब हम मस्टर्ड कलर को व्हाइट कलर के ऊपर लगाएंगे। अब हम इसके नीचे की पत्तियां बना देंगे। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब व्हाइट के साथ हम मजेंटा कलर करेंगे। इस बड़े फ्लावर में हम पहले व्हाइट कलर करेंगे। अब हम मजेंटा कलर लेंगे और व्हाइट कलर के ऊपर हम इस कलर को भरते जाएंगे। अब व्हाइट के साथ हम ब्लू कलर लेंगे। अब इस फ्लावर में भी हम पहले व्हाइट कलर भरेंगे। अब व्हाइट कलर के साथ हम ब्लू कलर को भी यहाँ पे मिक्स कर देंगे। पूरे फ्लावर हमने बना लिए हैं। अब हमने ब्राउन कलर लिया है, अब टहनियों के अंदर हम ब्राउन कलर करेंगे। अब हम ब्लैक कलर लेंगे और 0 नंबर का ब्रश लेंगे। इससे हम फ्लावर की आउटलाइन करेंगे। Thank you.
फ्लावर के सर्कल में हम ब्लैक कलर भर देंगे। अब हम ऑरेंज फ्लावर के सर्कल में भी ब्लैक कलर भर देंगे। अब हम सारे फ्लावर की आउटलाइन कर देंगे। ये हमने व्हाइट कलर लिया है। ब्लैक सर्कल के ऊपर हम व्हाइट कलर से इस तरह से डॉट लगा देंगे। अब इसमें भी हम व्हाइट डॉट लगा देंगे। इसी तरह हम बाकी फ्लावर में भी डॉट लगा देंगे। ये हमारा आधा डिजाइन हो चुका है। इसी तरह हम बाकी आधा डिजाइन भी बना लेंगे। ये हमारा डिजाइन बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।